हेलो दोस्तों, खेलकूद शरीर के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। खेलकूद हमारे लिए एक्सरसाइज के साथ साथ मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है, लेकिन बहुत से लोग इन खेलों को शौक के लिए खेलते हैं। अगर इन खेलों में पैसों को जोड़ दिया जाए तो इन खेलों को पैसे के लिए खेला जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे खेलों में ज्यादा शौक रखते हैं जिनमें जोखिम हो, जिस खेल में हर वक्त जान जाने की जोखिम हो। आजकल लोग ऐसे खेल ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान दुनिया के 10 सबसे खतरनाक खेलों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुका है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं शुरू। नंबर 10, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग को दुनिया का सबसे खतरनाक और हिंसक खेल माना जाता है। इस खेल में सांड को शराब पिलाई जाती है और उसके शरीर को जगह जगह से काट दिया जाता है, जिससे वह सांड पागल हो जाता है। फिर एक खिलाड़ी सांड का मुकाबला करने के लिए मैदान पर उतरता है। यह खेल अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। बुल फाइटिंग खेल अधिकतर स्पेन और उसके आसपास के देशों में ही खेला जाता है। नंबर 9, बेस जंपिंग। बेस जंपिंग एक बेहद रोमांचक खेल है, जिसमें आदमी किसी ऊंचे भवन, एंटेना व पहाड़ों से नीचे कूदता है और गिरने से बचने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करता है। इस खेल में खिलाड़ी को ऊंचे पर्वत की चोटी या ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगानी होती है। यह खेल सबसे खतरनाक खेलों में शुमार है और कई देशों ने तो इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन कुछ लोग अवैध तरीके से यह खेल खेलते हैं। नंबर 8, कैसिलियो स्टोरिको। कैसिलियो स्टोरिको खेल रग्बी, फुटबॉल और पहलवानी को मिक्स करके बनाया गया एक खतरनाक खेल है। इसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि यह खेल लोकप्रिय नहीं है। यह एक पुराना ग्रीक रोमन खेल है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ी होते हैं। गेंद को छीनने के लिए खिलाड़ी एक दूसरे से खूब मारपीट करते हैं। कभी कभी यह खेल इतना हिंसक हो जाता है कि किसी की जान भी चली जाती है। 7, क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है, जिसमें किसी को पता नहीं होता है कि अगले ही पल क्या हो जाए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। इसमें बहुत से जोखिम होते हैं, जैसे कि पहाड़ पर चढ़ते हुए पैर फिसलना, रस्सी का टूटना, बीच रास्ते में फंस जाना आदि। इस खेल में जोखिम होने के बावजूद भी लोग ऐसे काम करते हैं। नंबर 6, हर्डलिंग। हर्डलिंग नामक खेल की शुरुआत आयरलैंड से हुई थी। यह खेल यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है। इस खेल को फुटबॉल और हॉकी का मिश्रण कहा जाता है। हर्डलिंग में खिलाड़ी कोई सुरक्षित हेलमेट व कपड़ों का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके वजह से खिलाड़ी हमेशा खतरे में ही रहते हैं। 5, सर्फिंग। सर्फिंग पानी में खेले जाने वाला शायद सबसे रोमांचक खेल है, जिसमें खिलाड़ी को खुद ही सर्फिंग बोर्ड के साथ तैरते हुए बड़ी लहरों तक जाना पड़ता है, जो कम से कम 20 फीट ऊंची हो। वैसे सर्फिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 100 फीट ऊंची लहरों पर सर्फिंग करने का है, जिसका इनाम $1,00,000 तक होता है। इस खेल में जितना पैसा मिलता है, उतना ही इस खेल में रिस्क भी होता है। ऊंची लहरों में सर्फर का बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है और वह डूब सकता है या लहरों के साथ बह भी सकता है। नंबर 4, बॉक्सिंग। इस खेल में लगातार पड़ने वाले मुक्के कईयों की जान तक ले लेते हैं। कई जगह जहां पैसे की बोली लगती है, वहां मुक्केबाज हेलमेट व ग्लव्स के बिना खेलते हैं। जहां पैसे लगे हो, वहां यह खेल बहुत ही हिंसक हो जाता है और यहां तक कि कई लोगों की जान भी चली जाती है। नंबर 3, हेली स्किंग। हेली स्किंग में खिलाड़ी हेलीकॉप्टर की सहायता से स्किंग करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर खिलाड़ी से एक निश्चित दूरी पर रहता है और उसकी हवा की सहायता से खिलाड़ी तेजी से स्किंग करता है। इस खेल के दीवाने प्रतिवर्ष इसके ऊपर एक किताब लिखते हैं, जिसमें इस खेल के बारे में टिप्स दिए होते हैं। कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो अमेरिकी सरकार से प्रमाणित है और इस खेल को ऑर्गेनाइज कराती है। यह खेल बहुत ही जोखिम भरा है, जैसे अचानक मौसम बदलना, एवलांश से मौत होना और हेलीकॉप्टर की चपेट में आ जाना। नंबर 2, आइस हॉकी। आइस हॉकी या बर्फ हॉकी बर्फ पर खेले जाने वाला खेल है। यह खेल कनाडा और अमेरिका में खेला जाता है। इस खेल में चोट लगने की भारी संभावना होती है। खिलाड़ी इतनी तेजी से आगे पीछे बढ़ते हैं कि दुर्घटना होना स्वाभाविक है। साथ ही मुकाबले में खिलाड़ियों का आपस में लड़ जाना तो दूसरी कहानी बयां करता है। नंबर 1, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक ऐसा खतरनाक खेल है, जिसमें सभी प्रकार के मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट खेल अमेरिका, ब्राजील व जापान जैसे देशों में बहुत लोकप्रिय है। यह खेल अब तक कई लोगों की जान भी ले चुका है। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।